दोस्तों अनुपमा सीरियल की एक मशहूर एक्ट्रेस का कोरोना से निधन हो गया है। बता दें कि अनुपमा फेम माधवी गोगटे का रविवार को निधन हो गया। उन्होंने शो में रूपाली गांगुली की मां का किरदार निभाया था। माधवी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। माधवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह इससे ठीक भी हो रही थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती गई और रविवार 21 नवंबर को दोपहर में उनका निधन हो गया। बता दें कि एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने माधवी गोगटे की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर इंस्टा स्टोरी पर शेयर की और लिखा, बहुत कुछ अनकहा रह गया, श्रद्धांजलि माधवी जी। माधवी ने अनुपमा में पहले रूपाली गांगुली के किरदार अनुपमा की मां का रोल निभाया था। वही दिग्गज एक्ट्रेस और उनकी दोस्त नीलू कोहली ने भी माधवी के लिए एक तस्वीर के साथ एक इमोशनल नोट लिखा। उन्होंने लिखा, माधवी गोगटे मेरे प्यारे दोस्त, नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने हमें छोड़ दिया, दिल टूट गया माधवी, आपके जाने की उम्र ही क्या थी, आप तो बहुत यंग थे, ये हुआ कोरोना, मैंने काश वो फोन उठाया होता और तुमसे बात की होती, जब आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया था, मैं बस अब पछतावा कर सकती हूँ। दोस्तों माधवी गोगटे 58 साल की थी। माधवी ने फिल्मों और टीवी शोज में भी नजर आ चुकी हैं, लेकिन अफसोस आज वो हमारे बीच नहीं है। वैसे दोस्तों आप भी इस एक्ट्रेस को कमेंट में श्रद्धांजलि जरूर दें। धन्यवाद। Are you all my personal friends?